वो स्टिफनेस जो निकालनी पड़ती है, तो उसी टाइम पे मैंने रश्य देख के सोचा, दो तीन महीने बाद मुझे लगा ये कैमरा एक्शन बोलते थे चालू हो जाता है मेरा कुछ, तो मैंने मॉडलिंग बंद कर दी कम्प्लीटली। मुझे नहीं पता था फिल्म को 5 साल लग जाएंगे बनते बनते, तो वो जो टाइम था आई थिंक वॉज द टाइम मैं घर पे ना, और मैं भी जो कर लेता हूँ दिमाग में कर लेता, तो वो टाइम पे घर पे खाना नहीं, ये लोग भाड़ा का कैसे भरना है, क्या करना है, वो जो दिक्कतें हुई उस टाइम पे आई थिंक वॉज रियली रियली द टफेस्ट। तो भाड़ा भरने के लिए आपने दोबारा सोचा नहीं कि वापस से रैंप पे चले जाए? कभी कभी एक जाके मैंने एक ऐड कर ली नो, या कुछ ऐसा कुछ मिल गया तो कर लिया यू नो, और अच्छे पैसे ले लिए, आई कुड डू इट। मगर फिर भी आई थिंक जो मेयर का जो सपोर्ट था उस टाइम पे यू नो, वो अपने वो कुछ कोरियोग्राफी करने लगी, शोज करने लगी अपने हिसाब। बता दूं मेहर वाइफ है अर्जुन की जी प्लीज। तो वो तो उस हिसाब से आई थिंक दैट वाज अ बिग सपोर्ट, फैमिली का जो सपोर्ट था यू नो, दोस्तों का जो सपोर्ट था। एक एक्टर के लिए कितना मुश्किल होता है जब ये लिख दिया जाता है कि ही कांटेक्ट? दैट्स नॉट डिफिकल्ट। वो भाई फर्स्टली अगर शुरू में है यू टेल दैट, तो आप तो बच्चे हो, तो जैसे कि बच्चे को आपने कुछ बोल दिया यू कैन रियली ब्रेक समबडी स्पिरिट यू नो, क्योंकि वो तो नया ही है यू नो, अभी चलना सीखा है उसको ओके, तो मोरल तो टूट सकते हैं। मगर क्या है कि आप बोलो ठीक है इसको सिखाएंगे हम, वही आदमी जब आपके लिए लिखता है वास इसने तो कर दिया 5 स्टार दे दिए, 5 स्टार फॉर अर्जुन या 1 स्टार फॉर दिस, वही आदमी जब करता है तो ही इज लाइक समथिंग, वो उसकी उसका काम है, वो क्रिटिसाइज यू वो करेगा व्हेन यू आर नॉट अप टू द मार्क। इतने वक्त में अगर कोई एक ऐसा लम्हा या ऐसा कोई किस्सा तो नहीं बोलूंगा, ऐसी कोई घटना बतौर एक्टर जो आपको अंदर तक घायल कर गई हो या आपको दुख दे गई हो, दर्द दे गई? मुझे जब अशोक जी की जब मौत हुई थी आई रियली फेल्ट रियली बैड। मुझे याद है उसके बाद ही हम लोगों ने एक शो हमारा इसी का नाम जिंदगी हमने किया करें, वो टाइम पर बीमार थे आपकी बात हुई थी, मैं जानता हूँ सभी को तो जाना है यू नो, मगर जब कोई तकलीफ में पहुँचता है हमारी इंडस्ट्री में इतने हाथ नहीं आते यू नो मदद करने के लिए, एंड दैट आई थिंक इज वेरी डिस्टर्बिंग। आपको लगता है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पत्थर दिल लोग हैं जबकि हम इमोशंस का व्यापार करते हैं? पता नहीं क्या है वो बात, मैं देखते रहता हूँ हमारे इंडस्ट्री में यू नो, देयर बीन पीपल जिन्होंने इतनी मेहनत की है, इतने इनका बॉडी ऑफ वर्क क्या है, कितने लोगों के साथ काम किया है, और सडनली एक टाइम आता है जब आप भूल यानी कि आप फिल्में नहीं कर रहे, आप रिटायरमेंट पे हो या बीमार हो, कोई नहीं जाता, कोई नहीं देखता, कोई नहीं पूछता, एंड दैट आई फील इज टेरिबल। आपको डर लगता है इंडस्ट्री के इस रवैये से? नहीं, इसलिए मैं दूर ही रहता हूँ ज़्यादा करके यू नो, मैं आई कट ऑफ आफ्टर अ पॉइंट, जब मेरा काम हो गया, मेरा सारा कुछ हो गया, वो ज़्यादा घुसना किसी के घर में या यू नो वेरी क्लोज जाना किसी के, आई डोंट गो। आपको किस तरह से बदला इंडस्ट्री ने या आपके एक्सपीरियंस जो यहाँ पे हुए, आप किस तरह से खुद को पाते हैं पिछले 15 सालों में? आई थिंक मैं बहुत खुशनसीब हुआ क्योंकि अगर आप देखें कि सक्सेस क्या होता है मेरे लिए, सक्सेस एक चीज़ है कि मौका, जितने मौके, एक ऐसा मौका जो आप चाहते हो, आप उस तरीके की फिल्में करें, आप उस तरीके के रोल्स करें यू नो, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, जैसे कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गया, मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ अभी यू नो, मैं खुद की फिल्में भी बना सकता हूँ यू नो, मैं दूसरे एक्टर्स के लिए भी प्रोड्यूस कर सकता हूँ यू नो, तो एक वो मौका है, तो टू बी एबल टू ग्रो इन द इंडस्ट्री और टू कॉन्ट्रीब्यूट, तो यही बदलाव है। आई थिंक यू गेट नॉलेजेबल ओके, एक नॉलेज आ जाती है कि ठीक है यार।